नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको बबूल के काफी सारे औषधीय फायदे जानने को मिलेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बबूल का पेड़ तो आपने देखा ही होगा, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इस पेड़ को ना जानता हो। बबूल के पेड़ की लकड़ियों के फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। बबूल के पेड़ पर गोंद भी निकलता है, जिसको बबूल का गोंद कहा जाता है। बबूल की फलियां, पत्ते तथा छाल का भी औषधीय प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इस तरह इसकी फलियां होती हैं। यह फलियां एक विशेष मौसम में लगती हैं। बारिश के बाद इसकी फलियां लगने लगती और फूल भी आने लगते हैं, लेकिन किसी किसी पेड़ पर यह फलियां बेमौसम भी लगी रहती हैं। बबूल के पत्ते इस तरह के होते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इस पर इस तरह के पीले रंग के सुंदर फूल खिलते हैं। बबूल की छाल इस प्रकार की होती है। बबूल के पेड़ को भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। तो आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में इस बबूल को क्या नाम से जानते हैं। आयुर्वेदिक मतानुसार बबूल रक्त पित्त शामक, पित्त शामक, कफ तथा कफघन होता है। यह मूत्रल, ब्रश, गर्भाशय शोधनाशक, ग्राही, बलकारक तथा विषघन है। तो चलिए दोस्तों, हम बबूल के औषधीय प्रयोग जानते हैं, जिसके द्वारा आप विभिन्न रोगों को दूर कर पाएंगे। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। आंखों की समस्याओं को दूर करने के लिए बबूल के पत्तों के रस में गाय का दूध मिलाकर दो दो बूंद आंखों में टपकाने से आंखों की सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। बबूल की दातुन के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। बबूल की दातुन करने से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं तथा दांतों की तकलीफें दूर होती हैं। यदि बबूल की छाल का काढ़ा बनाकर कुल्ला किया जाए तो यह मुँह के छालों को ठीक कर देती है। दांतों की तकलीफों को दूर करने के लिए एक मंजन भी बनाया जा सकता है बबूल का। बबूल की छाल, पत्ते और फलियां, इन सभी को बारीक पीस कर महीन चूर्ण बना लें और उसमें सेंधा नमक मिलाकर मंजन की तरह इस्तेमाल करने से दांतों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, जैसे कि हिलते हुए दांत, दांतों में दर्द होना, दांतों में कीड़ा लगा होना, मसूड़ों से खून आना, पायरिया रोग जैसी समस्याएं दूर होती हैं। कमर दर्द की समस्या, जिन पुरुष और महिलाओं को कमर दर्द की समस्या बनी रहती है, वह इस बबूल के पौधे के द्वारा अपनी समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं और ये बहुत ही फास्ट तरीके से काम करती है। इसके लिए बबूल की फलियां, बबूल के पत्ते, बबूल की छाल और बबूल का गोंद, इन सभी को समान मात्रा में लेकर कूट पीस कर बारीक महीन चूर्ण बनाकर रख लें और एक एक चम्मच की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ सेवन करते हैं तो उनके कमर दर्द की समस्या ठीक हो जाती है। यह पाउडर और भी काफी सारे फायदे करता है। पुरुष और महिलाओं की समस्याओं को दूर करता है तथा हड्डियों को मजबूत भी करता है। बबूल से चर्म रोगों को भी दूर किया जा सकता है। बबूल के फूलों को सिरके में पीसकर यदि दांत पर लगाया जाए तो दांत ठीक हो जाती है। बबूल के फूल और पत्तों को पीसकर यदि दांत खाज खुजली पर लगाया जाए तो उससे भी आराम मिल जाता है। नए पुराने घावों को जल्दी ठीक करने के लिए बबूल के पत्तों को चटनी की तरह पीसकर लेप करने से नए पुराने घाव बहुत ही जल्दी ठीक होने लगते हैं। सभी प्रकार की खांसी को दूर करने के लिए बबूल के पत्ते और तने की छाल को बारीक पीस कर महीन चूर्ण बना लें और फिर 1 से 2 ग्राम की मात्रा को शहद में मिलाकर सेवन करने से खांसी ठीक हो जाती है। जलोदर की समस्या दूर करने के लिए बबूल की छाल के काढ़े को छाछ मिलाकर पीने से जलोदर की समस्या ठीक होती है। बबूल की कच्ची फलियों का अचार बनता है और यह अचार स्वादिष्ट होने के साथ साथ पेट की समस्त बीमारियों को ठीक करता है। यह भूख को बढ़ाता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, अरुचि, गैस आदि दूर होती है। मूत्र संबंधी विकार जैसे कि बार बार पेशाब आना, मूत्र त्याग करते समय जलन होना, मूत्रकूचू, मूत्रदाह समस्याओं को दूर करने के लिए बबूल की छाल और बबूल की कच्ची फलियों को पीसकर चूर्ण बनाकर सुबह शाम सेवन करते हैं तो बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। बबूल को आप एक शक्तिवर्धक औषधि के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और यह सभी आयु वर्ग के लोग भी सेवन कर पाएंगे। बबूल की कच्ची फलियों को छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बना लें और एक एक चम्मच की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है तथा वीर विकार दूर होते हैं। बबूल के गोंद को घी में भूनकर खाने से भी और शक्ति बढ़ती है। सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक और यौन कमजोरी को दूर करने के लिए बबूल की कच्ची फलियां, बबूल की छाल और बबूल के पत्ते, इन सभी को समान मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बनाकर रोज सुबह शाम गाय के दूध के साथ सेवन करते हैं तो शरीर में दिव्य शक्ति आती है और सभी प्रकार की कमजोरी दूर हो जाती है। महिलाओं में होने वाले मासिक विकारों को दूर करने के लिए भी बबूल की फली और बबूल की छाल का उपयोग करना चाहिए। इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पीने से रक्त प्रदर्द की समस्या ठीक होती है तथा इसकी फलियों के चूर्ण का सेवन करने से श्वेत प्रदर्द की समस्या ठीक होती है। बबूल की छाल का काढ़ा बनाकर नियमित पीने से लिक्योरिया की समस्या ठीक हो जाती है। दस्तों की समस्या में बबूल के पत्तों के रस में छाछ मिलाकर पिलाने से तुरंत आराम मिल जाता है।
बबूल की फलियों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और जिन व्यक्तियों की हड्डियां कमजोर हैं, वह बबूल की फलियों का चूर्ण का सेवन करें। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं तथा टूटी हुई हड्डी बहुत ही जल्दी जुड़ जाती है। हमेशा बबूल की कच्ची फलियों का ही औषधीय प्रयोग करना चाहिए। तो देखा आपने इस साधारण से दिखने वाले बबूल के कितने सारे औषधीय फायदे हैं, जो किसी दिव्य वनस्पति से कम नहीं है। यदि आप भी इस बबूल के बारे में कोई औषधीय गुण जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।